स्वागत है आप सभी को विश्व गुरु आईएएस यूट्यूब चैनल में। चलिए आज मॉनेटरी पॉलिसी मौद्रिक नीति के बारे में पढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था में मॉनेटरी पॉलिसी की क्या भूमिका है इसके बारे में पढ़ते हैं। इसका प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है ये भी देखते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई के द्वारा। ये तरलता को नियंत्रित करता है, तरलता का समायोजन। ये जो है मौद्रिक नीति क्या है? तरलता को नियंत्रित करता है। मुद्रा की तरलता, किसकी तरलता? मुद्रा की तरलता को नियंत्रित करने में सहायता करता है, को नियंत्रित नियंत्रित करता है। मुद्रा की तरलता यानी मुद्रा की प्रवाह को नियंत्रण करता है। कौन? आरबीआई, इसके माध्यम से। तो नेक्स्ट देखते हैं कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कितने दो प्रकार के होते हैं प्रमुख, जो आरबीआई प्रयोग करता है। मॉनेटरी पॉलिसी में जैसे कठोरवादी मौद्रिक नीति और सस्ती मौद्रिक नीति। पहला देखते हैं सस्ती मौद्रिक नीति। जब सस्ती मौद्रिक नीति का पालन करता है आरबीआई, सस्ती यानी विस्तारवादी, प्रसारवादी। जब मौद्रिक नीति का प्रयोग करता है आरबीआई तो बाजार में तरलता में वृद्धि आ जाती है, तरलता में वृद्धि, तरलता में क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा यानी मुद्रा बाजार में बढ़ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ये ग्रोथ में कमी आई, ग्रोथ में वृद्धि, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बढ़ जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो जाएगा? बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा सस्ती मौद्रिक नीति में। और दूसरा है कठोरवादी मौद्रिक नीति। क्या है? कठोरवादी मौद्रिक नीति का जब पालन करता है आरबीआई तो बाज़ार में तरलता की मात्रा में कमी आ जाती है, बाज़ार में मुद्रा की कमी हो जाती है, जिससे मांग में कमी आ जाता है। मांग में कमी के आने के वजह से ये क्या हो जाएगा? मुद्रा स्फीति में नियंत्रित हो जाता है, मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने में सहायता मिलता है। मुद्रा स्फीति नियंत्रण हो जाता है। ये हो गया कठोरवादी मौद्रिक नीति के द्वारा। और इकोनॉमिक ग्रोथ किसके द्वारा होता है? सस्ती मौद्रिक नीति के द्वारा इकोनॉमिक ग्रोथ में वृद्धि होती है। जब सस्ती या विस्तारवादी मौद्रिक नीति में तरलता में वृद्धि होती है तो ये मुद्रा स्फीति को भी बढ़ाता है। सस्तीवादी मौद्रिक नीति, सस्ती मॉनेटरी पॉलिसी, इसे क्रॉस करके देखा जाए, ये सस्ती मॉनेटरी पॉलिसी, ये क्या है? सस्ती में ये बढ़ेगा, मुद्रास्फीति बढ़ने लगेगा सस्ती मौद्रिक नीति में। और कठोरवादी मौद्रिक नीति में क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाता है, अर्थव्यवस्था में इकोनॉमिक ग्रोथ हतोत्साहित होने लगता है यानी कम हो जाता है। कठोरवादी, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। चलिए आइए समझते हैं फिर कि जो आरबीआई क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था में न केवल केंद्रीय बैंक की भूमिका निभाता है, ना केवल केंद्रीय बैंक की भूमिका में रहता है बल्कि अर्थव्यवस्था
को प्रोत्साहित करने में भी सहायता करता है। अर्थव्यवस्था के विकास में भी सहायता करता है। कौन? आरबीआई। प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका पहला उद्देश्य मुद्रा नीति, जो मुद्रा की तरलता को नियंत्रित करना। क्या? मुद्रा की तरलता को नियंत्रण करना। क्या करना है? मुद्रा की तरलता को नियंत्रित करना। और दूसरा उद्देश्य इसमें कीमत स्थिरता को लाना। क्या है? कीमत स्थिरता को बनाए रखना। कीमत स्थिरता को बनाए रखना और तीसरा विनिमय स्थिरता को बनाए रखना है। चौथा आर्थिक समृद्धि को बढ़ाना है। क्या है? आर्थिक समृद्धि को बढ़ाना। पांचवा उद्देश्य औद्योगिक उत्पादन को प्रोत्साहित करना है। औद्योगिक उत्पादन उत्पादन को प्रोत्साहित करना। छठा उद्देश्य आर्थिक समृद्धि और मुद्रास्फीति के बीच सामंजस्य को स्थापित करना है। किसके बीच? आर्थिक समृद्धि और मुद्रास्फीति के मध्य सामंजस्य को बनाए रखना है। चलिए आज मॉनेटरी पॉलिसी मुद्रा नीति के बारे में पढ़ें। थैंक यू।